हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सीरीज, और ये नंबर सीरीज मैथमेटिक्स या फिर कहें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नहीं है, बल्कि रीजनिंग में जो पूछी जा रही है नंबर सीरीज वो है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए रहते हैं और उनके ऊपर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने सॉल्व किया होगा, SBI क्लर्क में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम तो नहीं लगता है, बड़े आसानी से हो जाते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या आंसर निकाल रहे हैं। अगर आपने इतना ही बात अगर मैनेज कर ली तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे कह दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने क्या है, नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे लिखा है 743, 318, 583, 692, 921, ये पांच नंबर्स लिखे गए हैं। अब इन्हीं नंबर्स के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस में कंडीशन दी जाएंगी कि यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, कुछ घटा लीजिए, कुछ जोड़ लीजिए, या फिर कुछ अरेंजमेंट को उल्टा पुल्टा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और जो कंडीशन होगी वो केवल उसी क्वेश्चन तक सीमित रहेगी। अब अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि आपको हर एक नंबर की सेकंड डिजिट में से दो घटा लेना है, तो ऐसे केस में ये जो कंडीशन है दो घटाने वाली, केवल उसी क्वेश्चन तक ही सीमित रहेगी। वो अगले क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी कि आप सोचेंगे कि दो घटा लिया है तो अब नए नंबर्स हमको मिल गए, उनके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ़ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, कह रहे हैं कि अगर जितने ऑड नंबर्स हैं सब की सेकेंड डिजिट में दो घटा लें, एंड टू इज एडेड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, और जितने इवन नंबर्स हैं उनकी फर्स्ट डिजिट में दो जोड़ दें। तो कह रहे हैं कि देन विच नंबर इज लोएस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट, तो बताइए ऐसा करने के बाद कौन सा नंबर लोएस्ट नंबर होगा। तो क्वेश्चन में जो बात कही जा रही है आपको ठीक वही करना है। अब आप यहाँ पे ऑड नंबर्स देख लीजिए। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो दो से नहीं कटते हैं, जैसे पहला ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी जो सेकेंड डिजिट है उसमें से दो घटाना है। तो मतलब ये जैसे है यहाँ पे चार है, तो इसमें आपको दो घटाना है। तो अगर ये दो घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 723। ठीक इसी तरह यहाँ पे 583 है, इसमें जो सेकंड डिजिट है उसमें दो घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 563। सेम काम यहाँ भी करेंगे, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 901। फिर क्या कह रहे हैं कि जो इवन नंबर्स हैं उनकी फर्स्ट डिजिट में, ध्यान रखिएगा लिखा हुआ है फर्स्ट डिजिट, मतलब सबसे पहली डिजिट में से आपको क्या करना है, दो ऐड करना है। तो ये आपके सामने दो इवन नंबर्स यहाँ पे प्राप्त होते हैं, इनकी जो फर्स्ट डिजिट है उसमें दो ऐड कर दीजिए। जैसे तीन में आप क्या ऐड करेंगे, दो, तो कितना हो जाएगा ये, पाँच, तो ये कितना हो गया, 518। इसमें भी आप दो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 892। अब आपको बताना है कि इनमें ऐसा करने के बाद अरेंजमेंट में सबसे छोटा नंबर कौन सा हो रहा है। तो आपको देख करके लग रहा होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये है 518, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डिजिट से केवल चेक करते तो आप कन्फ्यूज़ रहते कि यहाँ भी पाँच आ रहा था, यहाँ भी पाँच आ रहा था, बाकी नंबर तो इनसे बड़े ही हैं, तो ये 518 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ, इफ थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई द सेकेंड डिजिट ऑफ हाइएस्ट नंबर। अब क्या कह रहे हैं बस उसको आप समझिए, थर्ड डिजिट सबसे लोएस्ट नंबर की डिवाइड किससे की जा रही है, सेकेंड डिजिट से, वो किसकी, सबसे हाईएस्ट नंबर की। तो लिख रहे हैं देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, की तो ऐसा करने से रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। जैसा मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे लोएस्ट निकाला था 518, लेकिन ये जो कंडीशन थी केवल इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो गई। अब आगे जब आप आएंगे तो फिर से आपको उन्हीं नंबर को कंसिडर करना है। तो इसमें आपको क्या दिखता है कि सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, तो ये है 318। इसकी थर्ड डिजिट क्या है, तो वो है 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8। इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, सेकंड डिजिट से, सबसे हाईएस्ट नंबर की। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो देखिए क्या है, 921। इसकी सेकंड डिजिट का मतलब 2, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा रिजल्टेंट, तो आ जाएगा 4। तो
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए क्वेश्चन कितने आसान है, बहुत एकदम चुटकी बजाते हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा है, बस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझें, यही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच नंबर इज सेकेंड हाइएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट। कह रहे हैं कि हर एक नंबर की, यहाँ पे आपको ये सारे नंबर दिख रहे हैं, इनकी डिजिट्स को आपस में ही अंदर, मतलब एक ही नंबर के अंदर कैसे अरेंज किया जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं, जैसे 743 है तो यहाँ पे 743 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, और ऐसा ही काम सब नंबर्स के साथ किया जाए, तो आपको बताना है कि ऐसा करने के बाद सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे 743 है तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 होगा। 3 1 8 में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा। 5 3 8 में सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 2, ये 6 और ये 9, यहाँ पे 1 2 और 9, ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर। अब इस नंबर को अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाइएस्ट सेकंड बताना, सेकंड हाइएस्ट बताना है, तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 358। तो आपको क्या बताना है, ये नंबर नहीं, इससे छोटा वाला, तो इससे छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पे 269 है, अच्छा यहाँ पे 347 है, तो ये जो नंबर है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 347, जहाँ भी लिखा रहे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन सेकेंड डिजिट। कह रहे हैं कि बताइए ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी पहली और तीसरी डिजिट को अगर ऐड करें तो वो दूसरी डिजिट से ज़्यादा हो। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, उन नंबर्स का आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ अगर 743 की, यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 743, उसको आप ओरली कर सकते हैं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 चार से बड़ा है क्या, तो आपको पता है कि सही बात है, 10 चार से बड़ा है, तो ये एक नंबर मिल गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 8 और 3 11, 11 एक से बड़ा है क्या, तो जी हाँ, तो ये भी है, ये भी है। 5 और 3 8 है, और बीच का नंबर भी क्या है, 8 है, तो ये वाला नंबर बराबर है, तो इसलिए ग्रेटर नहीं, ध्यान रखिएगा ग्रेटर की बात करी गई है कि सेकेंड डिजिट किस में ग्रेट, मतलब जो दोनों नंबर का सम है वो सेकेंड डिजिट से किस में ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो इक्वल है। यहाँ पे देखिए 628, 628 और बीच वाला नंबर क्या है, 9 है, तो जाहिर सी बात है सेकंड डिजिट यहाँ पे बड़ी है, दोनों का सम बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह 9 और 1 10 हो गया, और बीच में क्या है, 2 है, तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया, आपका इस लिस्ट में आ गया। तो ऐसे कितने नंबर मिले जिनका पहला और तीसरा नंबर डिजिट अगर जोड़ें तो दूसरे से बड़ा हो रहा है, 1 2 और 3। तो आप यहाँ पे जहाँ भी लिखा होगा 3 उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें कई जगह पे डिफरेंस भी पूछा गया था, जहाँ पे ये कहा गया था बताइए ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें पहला और तीसरे नंबर का जो एडिशन है, नहीं, जो पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस है वो दूसरे नंबर जो दूसरी डिजिट है उससे अधिक है। तो अगर देखिए जैसे यहाँ पे 7 और 3 में क्वाड डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 4, और बीच वाला नंबर भी क्या है, 4, तो ये बराबर हो गया, तो ये नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जैसे 8 और 3 है, डिफरेंस कितना जाएगा, 5, और बीच वाला नंबर क्या है, तो बीच वाला नंबर है 1, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो बड़ा आ रहा है बीच वाले नंबर से, तो ये हो जाएगा। इसी तरह 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2, और यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, बीच में 8, तो ये वाला नहीं होगा। 6 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये आ जाएगा 4, और ये है 9, तो ये भी नहीं होगा। 9 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये आ जाएगा 8, और ये बीच वाला नंबर क्या है, 2, तो ये भी हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए डिफरेंस में इस बात को, तो इस तरह के केवल 2 ही नंबर आपको मिलते हैं जिनकी पहली और तीसरी डिजिट का डिफरेंस बीच वाली या फिर सेकेंड डिजिट से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडिशन की बात करी गई थी तो आपको ऐसे 3 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें देखिए लिखा गया है इफ़ वी एड ऑल द डिजिट्स ऑफ एवरी नंबर इंडिविजुअली। कह रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं इन सब की डिजिट्स को अगर हम ऐड करें एंड स्क्वायर इट, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर मिले उसको स्क्वायर कर दें, लिखा हुआ देन व्हाट इज द थर्ड लोएस्ट नंबर। तो बताइए ऐसा करने पे
जो थर्ड लोएस्ट नंबर मिलेगा वो क्या होगा, और यहाँ पे थर्ड लोएस्ट नंबर का मतलब इन नंबर से नहीं बल्कि स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी बात करी जा रही है। तो आप क्या करिए, जल्दी से सबको ऐड कर लीजिए, 7 × 3 = 10, 14 हो जाएगा ये, ठीक है। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 196 मिलेगा। 8 × 1 = 9, 9 × 3 = 12 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। 5 × 3 = 8, 8 × 8 कितना, 16। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 256 मिलेगा। 6 × 2 = 8, 9 = 17। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 289 मिलेगा। 9 × 1 = 2, 12, ये फिर से 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, तो आपको पता चल रहा है 144। तो आपको ये पता चलता है कि 144 यहाँ भी है, 144 यहाँ भी है, मतलब चाहे इसको पहले रखिए चाहे इसको पहले रखिए, ये दोनों तो सबसे आखिरी में ही आएंगे। ऐसे अगर मैं बनाऊँ सबसे आखिरी से, तो 144 144, अब 144 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 196। तो थर्ड लोएस्ट नंबर में यही आएगा, अगर इसको मैं सीरियल वाइज लिख दूँ, और उसके बाद मैं लिखूँ क्या आ जाएगा, 256, और सबसे बड़ा 289। तो थर्ड लोएस्ट अगर मैं देखूँ 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 196, 196, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के बहुत सारे फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े आसान होते हैं क्वेश्चंस, आप आसानी से 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे ध्यान आपका है कि नहीं, और अगर आपने सब कुछ निकाला लेकिन जो पूछा जा रहा है वो नहीं बताया, तो आसान क्वेश्चन होने की वजह से नेगेटिव नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, और आप मेरिट लिस्ट में भी बहुत नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम लोगों के गलत होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादातर लोग तो सही करेंगे। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको तो ज़्यादातर लोग गलत करेंगे या तो छोड़ेंगे, लेकिन आसान वाले तो सभी करते हैं, तो आसान वाले में गलती करने के कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है 5 क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लेकर के आया था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके कुछ SBI क्लर्क प्री में पूछे गए थे, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप लाइक करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की प्रॉब्लम में तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।